गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस मेन पॉइंट्स ऑफ चैप्टर 1, देन आई विल राइट सम एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। लेट्स रिमेंबर, डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड अ प्लेस, मींस डायरेक्शन हमें एक स्थान ढूंढने में हमारी सहायता करती हैं। नेक्स्ट, द फोर मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। चार मुख्य दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लैंडमार्क्स आर द वेल नोन प्लेसेस इन ए लोकेलिटी, दे हेल्प अस फाइंड डायरेक्शंस एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। एक इलाके के स्थलों को अच्छी तरह से जाना जाता है, उनकी सहायता से हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं और अलग अलग स्थान पर पहुंच सकते हैं। मैप्स आर डायग्राम ऑफ अ लार्ज एरिया, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। मैप्स बड़े एरिया की एक आकृति दिखाता है, मैप की बुक को एटलस कहते हैं। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, कंपास ई डिवाइस दैट हेल्प्स अस टू नो डायरेक्शन, मींस जो डायरेक्शन बताने में हेल्प करते हैं उसको कंपास कहते हैं। लैंडमार्क वेल नोन प्लेसेस इन अ लोकेलिटी, मैप ए डायग्राम और अ ड्राइंग ऑफ ए लार्ज एरिया, एटलस अ बुक ऑफ मैप्स। दीज फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड आंसर दीज क्वेश्चन यू हैव टू नोट इन योर नोटबुक। फिल इन द ब्लैंक्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन, a compass helps us to know the direction, a world map shows us all the continents in the world. Next, the four main directions are north, south, east and west. Next, a map is a diagram of a large area, a landmark is well known places in a locality. Right, true and false, there are mainly two directions, answer false. Next, maps are well known places in a locality, false. Next, a book of maps is called an atlas, true. Next, the sun rises in the east, true. Note down answer these questions in your notebook. Question 1. What is landmark? Answer. A landmark is a well-known place in a locality. Question number 2. Name any two landmarks near your school. Answer. Sitla Mata Ka Mandir, Bharat Gas Agency. Question number 3. What is a map? Answer. A map is a diagram of a large area. 4. What is an atlas? Answer. A book of maps is called an atlas. Chapter 1 has been finished. Now you have to learn all exercises of chapter 1. Thank you. Have a nice day.